जो देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र राज्य के कृषि उत्पन्न बाजार समिति के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का आंदोलन। आज का पांचवा दिन सरकार के अनदेखी से कर्मचारी परेशान। कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी मिलकर लगभग 6,800 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन्हें स्थायी रूप में राज्य सरकार की सेवा में लिया जाए, यह इनकी प्रमुख मांग है। किसान जो माल उपज करते हैं उसकी बिक्री कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मार्फत की जाती है और वही यह कर्मचारी कार्यालय सेवा दे रहे हैं। सभी को नौकरी में कायम किया जाए, इसी की मांग को लेकर 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। मुंबई आजाद मैदान में आंदोलन शुरू है, इस आंदोलन का आज 6ठा दिन है। इसी बात को लेकर यह आंदोलन शुरू है। आंदोलन के नेता यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, आपका स्वागत है। क्या मांग है जरा संक्षिप्त बताइए। हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी मार्केट कमेटी के एम्प्लॉयज़ है उनको शासन सेवा में लेना चाहिए, कायम करना चाहिए। उसी बात को लेकर पिछले 4.5 साल से लेकर हमारी ये मांग है और उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी गिरीश जी महाजन, चंद्रकांत दादा पाटिल और कुत्ते साहब, इन सबसे बातचीत हो चुकी है और इसके बारे में उन्होंने पॉजिटिवली हमें बताया है। जैसे निर्देश वो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है उनको देने वाले थे, लेकिन अभी इसमें सच्चाई और झूठ ये जो बात है, जो ऑफिसर्स बता रहे हैं कि हमें अभी तक किसी मिनिस्टर ने बताया नहीं है, तो हमें इस बात पे लास्ट डे मीन्स कल हमें बुलाया गया था। अनूप कुमार जो है सरकार के सचिव, उन्होंने और वल्वी साहब जो सहायक सचिव है को, तो उनके बैठक के दरमियान हमें बताया गया कि आपको लेके मिनिस्ट्री से हमें कोई अभी न्योता नहीं है कि आप इस तरह से कुछ कार्रवाई करें। तो हम इसके पास बात को लेकर आज 6ठा दिन है यहाँ पे बैठे। हमें एक लेटर आज प्राप्त हुआ है उनसे, लेकिन उस लेटर में उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं कि व्हाट दे शुड डू फॉर द एम्प्लॉयज़ इन फ्यूचर। सो वी मस्ट हैव टू टेक एनी डिसीजन फॉर द एम्प्लॉयज़ विल इन फ्यूचर। सो इस बात को लेके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि आगे हमारी पॉलिसी क्या होगी वर्कर्स की, जो एम्प्लॉयज़ जो पूरे महाराष्ट्र भर के हैं। अभी पश्चिम महाराष्ट्र है, औरंगाबाद में या फिर लगभग कितने लोग हैं कर्मचारी? 6,778 एम्प्लॉयज़ है जो उन्होंने उसके बारे में बड़ा डिसीजन है ये लेके ये जो उन्होंने टाल दिया है और इसके बारे में फिक्स ऐसा कुछ लेटर में उन्होंने बताया नहीं है। तो हम लोग ये आंदोलन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमारा फ्यूचर में अभी मंडे से लेके ये ज़्यादा हम अटैकिंग कर रहने वाले हैं कि जो मिनिस्टर है इसके राम शिंदे जी, उनके घर पर भी हम मार्च लेके जाने वाले हैं और तब तक अगर ये कुछ फिक्स ऐसा लेटर देते नहीं है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति, कृषि समिति और मराठा क्रांति मोर्चा, इनके संयुक्त विद्यमान से आज आंदोलन का 6ठा दिन चल रहा है। हमारी मांगे यही है कि बाजार समिति के सचिव से लेकर सिपाही तक शासन सेवा में समावेश करना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारा यह आंदोलन चल रहा है। इसके पीछे के पीछे भी 3 बार आंदोलन किया है हमने, फिर भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, इसी वजह से हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। जब तक हमारा कोई डिसीजन नहीं देते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं उठने वाले। मराठा थोक मोर्चा के संयोजक आबा साहब पाटिल यहाँ पर उपस्थित है। आबा नमस्ते, आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति, कृति समिति और मराठा क्रांति थोक मोर्चा इस आंदोलन में समाविष्ट है। सरकार इनके और ध्यान नहीं दे रही है, इसी कारण सेक्रेटरी से प्यून तक के जो भी पोस्ट है वहाँ पर जो कर्मचारी कार्यरत है उन्हें सरकार कायम नहीं कर रहे हैं। आपका मराठा थोक मोर्चा इस आंदोलन में अपनी भूमिका क्या कर रही है? ये हमारी भूमिका ये है, अभी मार्केट कमेटी का जो आंदोलन चालू है इसके अंदर जो भी 6,778
जितने भी वर्कर्स हैं इनको शासन में लेना चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर उनको एम्प्लॉइज करके अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए अभी आंदोलन चालू है, आज 6 दिन हो गया, लेकिन इसके ऊपर अभी आंदोलन के बारे में बात हो गया, मिनिस्टर लोगों से चर्चा हो गई, बात हो गई, लेकिन अभी जो उनके ऑफिसर्स है गवर्नमेंट के उनको अभी किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। जल्दी से जल्दी इन्होंने अभी आज एक लेटर दिया हमको पनन विभाग से, इसके अंदर क्या है कि लेटर में कुछ भी दिया नहीं है, खाली हम करेंगे देखेंगे लेंगे ऐसा कुछ भी इसके अंदर दिया नहीं है, खाली एक लेटर बना के दिया है, बात हो गया और आप अभी धरना आंदोलन वापस ले लो करके। लेकिन हम हमारी बात के ऊपर कायम है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग यहाँ पे धरना आंदोलन हमारा कायम रहेगा। दूसरी बात, जो इस विभाग के जो डिपार्टमेंट के मंत्री है राम शिंदे, उसके घर के ऊपर भी हम धरना आंदोलन या मार्च निकालेंगे, उसके बारे में अभी यहाँ बातचीत चालू है। राज्य के अंदर जितना भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति है हर तहसील के अंदर सब बंद है, अभी 7-8 डिस्ट्रिक्ट में अभी बंद रखा है, और कल से सारा मंडे से सोमवार से पूरा महाराष्ट्र के जितने भी 350 बाजार कमेटी है मार्केट कमेटी, तो सब बंद रहेंगी और ये अपना आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कर्मचारियों का आंदोलन शुरू है, इस आंदोलन से घोषणाएं दी जा रही है। माननीय आबा साहेब पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय आबा साहेब पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शासन सेवक हितेश पाटिल, शासन सेवक हितेश पाटिल। महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिति कर्मचारी शासन सेवक हितेश पाटिल। उनको सरकार उनकी मांगों को लेकर पाटिल तुम आगे बढ़ो, हम क्या फैसला लेती है ये हम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। मुंबई से दिनेश मराठे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनके आंदोलन को अनदेखा किया जाने के कारण यह लोगों में काफी रोष है। 30 जुलाई 2019 से आंदोलन शुरू है, आज 3 अगस्त को खबर लिखे जाने पर सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं आया है। इससे पता चलता है कि आंदोलन के विषय को लेकर सरकार की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।